हेलो गाइस वेलकम टू एजुगेरी आई होप ऑलफी आर डूइंग ग्रेट आई एम सो सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग द एनालिसिस ऑन टाइम अभी थोड़े दिन थोड़ा ऊपर नीचे होगा लाइक दोबारा से होगा फोर थ्री टू फोर डेज आई है बी रेगुलर एंड उसके बाद एक दो दोबारा से ऊपर नीचे होगा दट हज मीन समथिंग पर्सनल गोइंग ऑन राइट एंड उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा आई होप आप एडजस्ट करेंगे ठीक है डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस मोदी फाइल्स नॉमिनेशन फॉर्म वाराणसी तो मोदी जो है पी एम है अभी ठीक है ना और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट भी हैं तो कहाँ से इन्होंने अपना कैंडिडेटर नॉमिनेशन कहाँ से ये लोकसभा मेंबर इलेक्ट होना चाहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे है कहाँ से वाराणसी से ठीक है ना तो प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी मोदी फाइल्ड हिज फाइल्ड हिज नॉमिनेशन पेपर्स नॉमिनेशन पेपर्स टू कंटेस्ट दो लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम वाराणसी कहां से कंटेस्ट करेंगे अपने इलेक्शंस वाराणसी से कंटेस्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को कोई दिक्कत इन द कॉमेंट्स यू कैन आस्क कोई भी दिक्कत होती है ना तो कमेंट्स में पूछा करो नॉट इन द चार्ट वाले कमेंट 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 जब वीडियो ओवर हो जाती है उसके बाद जो कमेंट्स होते हैं ना उसमें तो ये क्लियर हो गया ठीक है अब यहां के थर्ड टाइम बिड फॉर हैट्रिक थर्ड टाइम थर्ड टाइम यहाँ से इलेक्शंस लड़ रहे हैं ठीक है ना हैट्रिक मारने की कोशिश करेंगे कि तीसरी बार भी जीत जाए ठीक है और कौन कौन है प्रपोजल्स कौन है फ़ोर प्रपोजर्स हैं इनके प्रपोजर्स हमने पढ़ा था ना इलेक्शन कमीशन का कि जब भी इलेक्शन नॉमिनेशन होता है तो प्रपोजर्स होते हैं ठीक है ना तो फोर प्रपोजर्स हमने पढ़ा था ना जब वो सूरत वाला सीन पढ़ा था कि मतलब वो ही इलेक्ट हो गए उनको इलेक्शन में ही लड़ने पड़े तो प्रपोजर्स में दिक्कत आई थी दूसरे वालों के तब हमने पढ़ा था तो आपका वो वो कमेंट में बता देंगे कि कब हमने पढ़ा था सूरत वाला बच्चे अपने नोट्स में से तो वहाँ जाके आप समझ सकते हैं बट यहाँ पे प्रपोजर्स कौन थे एक तो पंडित गणेश्वर लिख लेते हैं बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट अगर रीडिंग मार लोगे ना तो थोड़ा हो जाएगा ठीक है ना पंड पंडित एक मिनट हाँ पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड ठीक है ना तो ये है द्रविड राहुल द्रविड से पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड ठीक है ना उसके बाद बाइजनाथ पटेल बैजनाथ बैजनाथ पटेल ठीक है जी उसके बाद लालचंद लालचंद खुशवाहा एंड संजय सोनकर ठीक है ना संजय को फोन कर सोनकर शास्त्री जी बैजनाथ और लालचंद नाम ही इतने अच्छे अच्छे हैं कि तुमको याद हो जाएंगे ठीक है ना और याद भी नहीं अगर रीडिंग में करते रहोगे तब भी तुम ये क्वेश्चन गलती से आ गया तो कर पाओगे अनएक्सपेक्टेड है ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पे ग्रीन से मार्क कर लोगे फॉर्मर आर्मी ऑफिसर वर्किंग विद द यूएन किल्ड इन रफा अटैक रफा में कौन अटैक कर रहा है इजराइल इजराइल अब रफा में घुस चुका है जो इजराइल गाजा की लड़ाई गाजा में था पहले गाजा के कौन से उसमें घुस गए रफा में वहाँ पर एक इंडियन आम, की आ, मार्टियर हो गए हैं ठीक है ना तो इनके नाम लिख उनका लिखेंगे डिटेल्स फॉरमर आर्मी ऑफिसर फॉर्मर आर्मी ऑफिसर कर्नल वैभव वैभव अनिल केल ठीक है ना किल्ड इन रफा ठीक है ना अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा वॉज वर्किंग विद वॉज वर्किंग विद यूनाइटेड नेशंस विद वर्किंग विद यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ठीक है ना तो इनके साथ काम कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के साथ कौन से डिपार्टमेंट के साथ यूनाइटेड नेशंस के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यू एन डी एस एस के साथ काम कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इसको स्टार मार्क करेंगे हंड्रेड परसेंट आने के चांसेस हैं इसके हंड्रेड परसेंट ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं वो स्किल्ड ठीक है ना स्टक एज दे ट्रेवल टू वॉज ट्रेवलिंग टू यूरोपियन ट्रैवलिंग टू वॉज ट्रेवलिंग टू यूरोपियन हॉस्पिटल इन रफा दिस मेक्स इट द फर्स्ट इंटरनेशनल कैजुअलिटी अब यहां पर एक फैक्ट बताया जा रहा है दिस मेक्स इट फर्स्ट और मैंने क्या कहा है? जहां पर फर्स्ट आ जाए वो तो इंपॉर्टेंट है ही तुम्हें तो रट्टा मार लेना है फर्स्ट इंटरनेशनल कैजुअलिटी फॉर द वर्ल्ड बॉडी मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी सिंस इजराइल हमासराइली इसराइल हमास वॉर ज स्टार्टेड जब से स्टार्ट हुई तब से ये फर्स्ट इंटरनेशनल कैजुअलिटी है ठीक है जी हमने लिख लिया कर्नल कैल ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बट फाइव टू सिक्स वीक्स अगो ऑफिशियल सेट मतलब फाइव टू सिक्स वीक्स ही उन्होंने पहले ज्वाइन किया था कर्नल केल एड ज्वाइंट एज द यू एन डी एस 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 सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफ़िसर ठीक है ना तो उनकी पोस्ट क्या थी ये भी हमको बताना चाहिए उनकी पोस्ट क्या ज्वाइन करी थी उन्होंने ठीक है ना फर्स्ट कैजुअलिटी है ये भी बता होना चाहिए ठीक है और कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था ये भी पता होना चाहिए पोस्ट भी हमने लिख ली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था और उनका नाम जो है वो भी इम्पोर्टेंट एंड ही वॉज़ अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए हंड्रेड परसेंट वाला क्वेश्चन है अब यहाँ पर बताया जा रहा है चबाहर पोर्ट चबाहर पोर्ट जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको सामान भेजने देता है अफगानिस्तान ये हमको कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से हमारा कनेक्शन जो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे हमारा जो कनेक्शन है जो उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया अफगानिस्तान से कनेक्शन टूट गया है तो अब हम अफगानिस्तान से कहाँ से चबाहर पोर्ट जो ईरान में उससे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना इंडिया ईरान टेन ईयर पैक्ट ऑन चबाहर फेसेस पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शन सैंक्शन क्या होता है यूएस जो है वो अपनी चलाता है ठीक है ना हाँ भाई पावरफुल कंट्री है तो वो बताते हैं किसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो किसके साथ नहीं तो इंडिया को 2018 में चबाहर पोर्ट बनाने के लिए एग्जाम्पन मिला था 2018 में क्या मिला था ट्वेंटी एटीन एग्जाम्शन वॉज ग्रांटेड टू अलाउ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट एंड डिवेलप पोर्ट इन साउथ ईरान टू अलाउ इट टू सेंड शिफमेंट टू अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड बिकॉज पाकिस्तान डिड नॉट अलाउ द यूज ऑफ इट्स स्टेटरी अब हमारा कनेक्शन कैसे टूटा पी ओ के की वजह से पाकिस्तान भेजने नहीं देता ठीक है क्योंकि हमारी पाकिस्तान से बनती नहीं तो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने को हमको एग्जाम्शन दिया गया था टू तो डिवेलप द चबाहर पोर्ट चबाहर पोर्ट कहाँ पर है ईरान ने तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्शन वाला पॉइंट ही नोट कर लेते हैं तो और सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे चबाहर पोर्ट अब अगर चबाहर पोर्ट याद नहीं हो रहा है तुम्हें तो इसका ट्रिक क्या है इसका ट्रिक है चल बाहर चल बाहर ठीक है ना चल बाहर एल हटा देंगे बन गया चबाहर नहीं भूलोगे अब तुम हो ही नहीं सकता कि भूल जाओ <laughs> मेरी क्लास में आके भूलने का मतलब ही नहीं है ठीक है ट्वेंटी एटीन के अंदर क्या हुआ था इंडिया वॉज ग्रांटेड लिखेंगे इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिया स्पेशल एग्जाम्पन बाय यूएसए टू अलाउ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट एंड डेवेलप चबाहर चल बाहर चबाहर पोर्ट इन ईरान तो अब यहाँ से हमें दो चीजें क्लियर हो जाती है एक तो ट्वेंटी नाइन एटीन में हमको एग्जाम्शन मिली ठीक है ना किसने एग्जाम्पन दी यूएसए ने दी ठीक है ना यू ईरान के साथ यू की बिल्कुल बनती नहीं यूएसए कहते हैं ईरान न्यूक्लियर होने वाला है मेरे को खतरा है वर्ल्ड को खतरा है इनसे तो इनके साथ नहीं करना ट्रेड बट इंडिया को एग्जाम्पन दी ट्वेंटी एटीन में किस चीज़ के लिए चाहे बाहर पोर्ट के लिए क्यों दी क्योंकि ठीक है ना क्यों दी उसको परमिशन टू अलाउ टू अलाउ इट टू सेंड शिपमेंट्स थ्रू अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड ठीक है ना तो शिपमेंट्स भेजनी है कहाँ पर अफगानिस्तान एंड बियड मतलब ये पूरा ट्रेड के पर्पज से पूरा ट्रेड के पर्पज से है ये कह सकते हैं हम तो हमको यहाँ से क्या याद करना है चबाहर पोर्ट ईरान में है इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है और यूएसए ने ट्वेंटी में एग्जाम्शन दी थी ये स्टोरी हमको याद करनी है अब यहां पर टेन ईयर पैक्ट हो रहा है मतलब एक नया पैक्ट हो रहा है ठीक है ना तो ये पढ़ लेते हैं द न्यू टेन ईयर अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू डेवलप जवाहर पोर्ट कैरीज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सेंक्शन अब यहां पर क्या है डेवलपमेंट यहां वहां पर कंस्ट्रक्ट किया था तो सेकेंड स्टेजेस डेवलप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद चीजें और भी होती हैं तो डेवलप का अग्रीमेंट डेवलपमेंट का अग्रीमेंट क्या है casting a cloud over whether the special exemption india had received from the us in 2018 will still be applicable for the next phase of development and investments in the iranian project In particular, India's plan to invest approximately dollar 120 million in equipment for port and a credit window of rupees 250 million are likely to be under the scanner of US decides against extending its sanctions. अब यहाँ पर ये question क्या बोल रहा है, जिसने भी लिखा है या कुछ बोल रही है, ये बोल रहे हैं कि देखो यार 2018 में US से ने हमको exemption दे दी थी कि चलो तुम कर लो ईरान से, जिसको जो ईर मुझे नहीं पता, उसके साथ trade उसमें बना लो तुम, ठीक है मैं allow करता बट क्या यूएस दोबारा एग्जाम्पन ग्रांट करेगा और अगर नहीं ग्रांट करेगा तो वो इंडिया को क्या पनिशमेंट देगा ठीक है तो यहां पर यहां पे क्या लिखेंगे टेन ईयर अग्रीमेंट टेन ईयर अग्रीमेंट बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड ईरान टू डेवलप चबाहर पोर्ट ठीक है ना यहां पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, होगा कि डेवलप क्या करना है ठीक है ना यहां पर इंडिया प्लान टू लिखेंगे इंडिया प्लान टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली डॉलर वन ट्वेंटी मिलियन डॉलर वन ट्वेंटी मिलियन इन इक्विपमेंट फॉर द पोर्ट एंड क्रेडिट विंडो ऑफ डॉलर टू फिफ्टी मिलियन आर लाइकली टू वी अंडर स्कैनर अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन मतलब इसके बाद क्या हो रही है डेवेलपमेंट हो रही है इक्विपमेंट्स मतलब जो लगाने हैं पोर्ट को चलाने के लिए ठीक है ना शिपमेंट्स आएंगे और ये सब इक्विपमेंट्स के लिए डिवेलप क्या कर रहे हैं इंडिया इक्विपमेंट ठीक है ना अब यहाँ पे क्या मुझे याद करने की जरूरत है इतना पैसा लगा रहा है इतने का क्रेडिट ले रहा है रीडिंग मार लो याद कर हो गया तो ठीक है बहुत बढ़िया बात है नहीं हुई हुआ तो भी ठीक है इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ठीक है ना क्वेश्चन इज इफ यू एस ए विल अलाउ इंडिया टू कॉन्टिन्यू विद ईरान ठीक है ना एग्जामिशन कॉन्टिन्यू करेगी न, क्या नहीं करेगी ये क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ऑन मंडे द स्टेट अब यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट या सेकेंड पॉइंट बनेगा अग्रीमेंट साइन बिटवीन ये ना फोटीन वाला जो न्यूज़ है उसमें पूरी डिटेल के अंदर है तो जो फोर्टीन वाला कवर करेंगे ना वो तो सारा कवर हो जाएगा और वो मैं कवर करूँगी अग्रीमेंट साइन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली अग्रीमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे बिटवीन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट्स पोर्ट एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जी हो गया इतना ये क्या है इट इज नॉट अग्रीमेंट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चलो आगे चलेंगे द स्टेटमेंट बात है यूएस अब यूएस कह रहा है कि भाई ये सेफ कंट्री नहीं है ठीक है ना यूएस क्या कह रहा है यूएस हैज नोटेड दैट द अग्रीमेंट एंड सेट दैट वॉज नो स्पेसिफिक एग्जाम्शन फॉर इट ठीक है ना अब यहां पर यूएस कह रहे है कोई स्पेसिफिक एग्जामेशन इसके लिए नहीं ग्रांट किया द स्टेटमेंट यूएस इज सिग्निफेंट एंड इंडिया हैज दस फॉर मैनेज ऑपरेशन एट चबाहर अब चबाहर का कौन सा पोर्ट इंडिया रहा है इंडिया है ऑपरेशन इंडिया हैज मैनेज्ड ऑपरेशन ऑफ शाहिद बी देखो शाहिद और बी और ही तो हो जाएगा एस एच टी आई सृष्टि से याद कर लो ठीक है ना शाहिद कपूर तो तुमको तो याद ही होगा सबको के नहीं भूल गए ठीक है ना ही ठीक है ना जिसमें से हम श रखेंगे और टी रखेंगे और रिश्त जो है वो हटा देंगे ठीक है ना बेहस्ती इस पोर्ट का जो कि चबाहर में है इस पोर्ट का ऑपरेशन कौन संभाल रहा है इंडिया संभाल रहा है तो ये बोर्ड का नाम भी इंपॉर्टेंट है इंडिया यूएसए जो है वो खुश नहीं है इस अग्रीमेंट से पता चल रहा है तो देखना आगे क्या हुआ एचटी एच टी टू एस सी टू रिव्यू एच सी मतलब हाई कोर्ट रिव्यू जजमेंट ऑन चाइल्ड पॉन अब द डली हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू रिव्यू अ जजमेंट पास बाय ट्रायल कोर्ट दैट हेज़ लेफ्ट ऑफ टू मैन इन्वॉल्व इन सर्कुलेटिंग स्टोरिंग एंड व्यूंग चाइल्ड तो यहाँ पर दो uh, दो मैन जो किस चीज़ में इन्वॉल्व थे चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मतलब जो चिल्ड्रन सेक्चुअल एक्टिविटी कर रहे थे उनकी वीडियोज सर्कुलेटिंग स्टोरिंग में इन्वॉल्व थे उनको बाहर उनको जाने दिया कि हाँ तुम आज़ाद हो तुमने कुछ नहीं किया द आउटकम ऑफ द केस विल हैव अ सिग्निफिकेंट बियरिंग अब डेली हाईकोर्ट इस केस को सुनेगा और देखो क्या देता है जजमेंट अब इसके अंदर क्या था तो यहाँ पर हम क्या हेडिंग डालेंगे चाइल्ड पॉन ठीक है चाइल्ड पॉन चाइल्ड पॉन ठीक है ना पॉन का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज ठीक है ना सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तो वो जो है सर्कुलेट किया है इन्होंने अब इसके सेक्शंस कौन कौन से हैं सेक्शन 15 क्लॉज टू पनिशमेंट फॉर शमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ ऑर्नोग्राफिक मटीरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड ये कौन से का एक्ट है पॉक्सो Poc का एक्ट है पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन From sexual offences, ठीक है ना एक्ट कैन बी इन्वोक्ड इन द एबसेंस ऑफ क्राइटीरिया अब यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने क्या कह दिया कि हमें क्या पता कि जो मूवी में बच्चे हैं मूवी में जो लोग हैं जो मेन हैं या वुमेन हैं गर्ल या बॉय हैं उनकी एज क्या है तो अगर उनकी एज नहीं पता तो हमें ये नहीं पता वो माइनर है या नहीं मतलब अंडर 18 है या नहीं अगर हमें ये नहीं पता वो अंडर 18 नहीं है तो चाइल्ड पॉन का केस नहीं बनता है तो अब यहाँ पर देखते हैं ठीक है ना तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा अब हम पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट में डेली हाई कोर्ट टू केस वेयर ट्रायल कोर्ट had acquitted acquitted her trial could have acted against the books said like said that it is not available to know if the people in the video are children ठीक है ना मतलब उनकी क्या वो बच्चे हैं अगर वो बच्चे नहीं हैं तो चाइल्ड पॉर्न का केस नहीं बनता ठीक है ना ये लिखना है तो लिख लो नहीं तो ये वाला पार्ट बता होना चाहिए कि सेक्शन फिफ्टीन लॉस टू क्या कहता है वो कहता है कि अगर पनिशमेंट बताता है फॉर स्टोरेज ऑफ पॉर्नोग्राफिक मटीरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की पनिशमेंट डिफाइन करता है ठीक है ना इतना याद रहेगा ये इतना शॉर्ट में भी याद कर लोगे ना जो मैं ये लिख रही हूँ रेड से तब भी क्वेश्चन निकाल आओगे तुम आगे चलेंगे अब हम बात कर बात करें निसार जहाँ निसार है जहाँ निसार है तो निसार क्या है इंडिया और नासा की सैटेलाइट है जॉइंट सैटेलाइट ऑफ इंडिया एंड नासा क्या है ये जॉइंट सैटेलाइट ऑफ जॉइंट सैटेलाइट ऑफ इंडिया एंड नासा ठीक है ना और इंडिया में किसकी है इसरो की ठीक है ना इसरो की फुल फॉर्म क्या है इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ना ये सबको याद रखनी है हर किसी के एग्जाम में आ चुकी है पी वाई क्यू है और ये क्वेश्चन भी कि ये किसकी किसके साथ को करके बनाई गई है नासा के साथ कोलाब करके इंडिया बना रहा है नासा कौन सी है नासा की युए, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है और तुम्हारा होमवर्क है कि मुझे नासा की फुल फॉर्म बताओगे कॉमेंट्स में ठीक है इतनी हेल्प तो कर सकते हो मेरी ठीक है निसार सैटेलाइट अमिट द हेक्टिक एक्टिविटी ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हेड ऑफार निसार सैटेलाइट लॉन्च द स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेड एक्स दिस ईयर एंड तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसमें क्या होने वाला है स्पेड एक्स तो ताश के पत्ते में एक स्पेड होता है ठीक है ना तो स्पेड एक्स तुम तुम ताश खेलते थे अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अब जो तुम्हारा स्पेड का एक पत्ता है वो कौन लेगा एक्स लेगा तुम्हारा रोते रो कर लो बात तो स्पेक, स्पेस स्पेस एक्स स्पेड एक्स क्या है इसको स्पेस एक्स से भी याद कर सकते हो बॉयफ्रेंड थोड़ा स्पेस एक्स की जगह डी लगा दिया ठीक है ना एलन मस्क वाली कंपनी से नहीं तो स्पेड एक्स भी सही है जो भी तुम्हें सही लगे ये क्या है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ निसार ठीक है ना जो करना है इनको जो इसरो टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ठीक है ना रोक्ट द एक्सपेरिमेंट ठीक है जी आगे चलेंगे दिस इज अंथेटिक अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट बनेगा ये क्या है निसार क्या है दिस इज अ लिखेंगे सिंथेटिक अपर्चर दिस इज अंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट जिसमें क्या है दो बैंड है एस और एल क्या बैंड है इसमें दो बैंड है ठीक है ना इट हैज टू बैंड्स ज टू बैंड जिसमें से एस किसने बनाया है इसरो ने इसरो में एस है तो एस बैंड किसने बनाया है इसरो में और एल बैंड किसने बनाया नासा में भी तो ऐसा ही एक ऐसा लॉजिक है बेकार बट नासा में ऐसा ना तीसरे उस पर आता है जिस पे पहले ऐसा आ गया जिसके उसमें नाम में उसने और एल किसने बनाया नासा ने याद हो जाएगा एस और एल अब ये क्या करेंगे अब इट कैन अब यूएस विल कॉन्ट्रीब्यूट लार्ज डिप्लॉयबल एंटीना तो यूएसए क्या करेगा यूएस विल कॉन्ट्रीब्यूट लार्ज डिप्लॉयबल एंटीना ठीक है ना अब ये क्या कर सकता है फैक्ट बता रहे हमको क्या बता रहे ये फैक्ट बता रहे हैं इट कैन कवर इट कैन फुली कवर The Earth in approximately फोर्टीन to फिफ्टीन days in radar। चौदह से पंद्रह दिन में पूरे अर्थ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब क्या क्या निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन किस बारे में इन्फो अबाउट एक्टोनिक मूवमेंट कैन मॉनिटर मतलब अर्थक्वेक के बारे में भी हमें बता सकता है कुछ मूवमेंट्स ठीक है ना उसके बाद वाटर स्ट्रेसिंग ऑन अर्थ एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ वाटर ये बता सकता है ठीक है ना वेजिटेशन फॉरेस्ट कवर भी बता सकता है कितना क्या है क्या नहीं ठीक है ना और क्या बता सकता है ये हमको ग्रीनरी बता सकता है क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बात कर सकता है ठीक है ना वी कैन स्टडी क्लाइमेट चेंज डेजर्टिफिकेशन टेक्टोनिक प्लेट्स अब चंदयान थ्री इज अ कॉन्सेप्ट अब वो चंद्रयान फोर के बारे में बात करें थ्री तो हो गया ना चंद्रयान फोर के अंदर हमारा क्या एम्स एंड एस्पिरेशन है ये उन्होंने बताया कि चंद्रयान फोर के अंदर हमारे क्या एम्स एंड एस्पिरेशन है हमको क्या लेकर आना है हमको वी हैव टू यहाँ पर हमको कलेक्ट ट फ्रॉम मून एंड इट बैक ठीक है ठीक और एक और चीज क्या है ठीक है ना लैंड ऑन मून विद मैन बाई ट्वेंटी फोर्टी दो हजार चालीस तक मून के ऊपर लैंड करना है विद मैन मून लैंड मैन ठीक है ना हो जाएगा अब इसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज एन एच ठीक है ना नेशनल ह्यूमन राइट्स किसके बारे में बात करें नेशनल National... एक मिनट रुको ये डब्बा ही नहीं बन रहा है ये बन गया ठीक है ना अब यहां पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म सबसे पहला क्वेश्चन क्या है फुल फॉर्म द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मली इनफॉर्म लास्ट वीक दैट द डेफरल ऑफ इट स्टेटस वुड कॉन्टिन्यू अब उसका जो ए स्टेटस उसको ग्रांट किया हुआ था वो अब उसके पास नहीं है एन के पास उससे क्या होता है वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो चली जाती है इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी जगह पर ह्यूमन राइट्स वाली जगहों पर जो भी ह्यूमन राइट्स की कमेटी है ठीक है ना तो यहाँ पर एन ठीक है ना ए स्टेटस ए स्टेटस टेकन टेकन अवे अवे ठीक है ना सब कमेटी ऑन on accreditation of global alliance of national human rights institutions that is gandhiji. इन आर से टेकन अवे इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नॉट गिवन बैक ठीक है ना अभी भी गिवन बैक नहीं करा ए स्टेटस ले लिया किसने ले लिया गहानदी ने इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ग्लोबल अलायंस ऑफ नैशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ये देता है ए स्टेटस ना एस एड नॉटली समय दिन आर से वाई द एस एस डिड नॉट अग्री विद द प्ले ऑफ सम लीडिंग इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू पुच एन आर सी इन कैटेगरी बी बी में बी डाला एन एच आर सी चेयरपर्सन कौन है अभी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे एन एच आर सी चेयरपर्सन फॉर्मर जस्टिस फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिनका नाम है अरुण मिश्रा अब ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ठीक है ना ये इम्पोर्टेंट है अब ए स्टेटस जो है वो ले लिया गया है और वो कह रहे हैं कि अगर अरुण मिश्रा रिटायर हो जाते हैं और उनको दोबारा रीअपॉइंट नहीं कराया जाएगा तो ये पहले चेयरमैन होंगे जो ऐसा स्टेटस गंवा कर जा रहे होंगे ठीक है ये नोट नहीं करना है ऑन द पेरिस प्रिंसिपल्स एन एच आर सी नोटेड अब ये कह रहे हैं कि जो ये ग्रांट किया जाता है ना ए स्टेटस ये किसके होता है in a public note on the occasion of nhrc had stressed the importance of a status it stated a stated accredi accreditation also grants participation in the work and participation of gandhi as well as work of human rights council and other mechanisms again we happen to create the importance of a status again a status important voting rights can participation in work of पार्टिसिपेशन इन वर्क ऑफ गांड्री गांड्री के वर्क में पार्टिसिपेशन होती है अगर ये अगर पर ये डिसाइड कौन करता है कि देना या नहीं पेरिस प्रिंसिपल्स जो हैं क्या करते हैं वो प्रोवाइड फॉर प्रोवाइड इंटरनेशनल Benchmarks provide international benchmarks, international benchmarks against which national human rights institutions are accredited. मतलब पैरिस प्रिंसिपल्स बताते हैं कि कैसे किसको अक्रेडिट करना है मतलब ए स्टेटस देना है या नहीं तो पैरिस प्रिंसिपल्स कब आए पैरिस प्रिंसिपल्स वर अडॉप्टेड वर अडॉप्टेड तो जो पैरिस प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर उनमें दिया हुआ है कि जो अक्रेडिटेशन है जो स्टेटस है ह्यूमन राइट्स कमीशन का या इंस्टीट्यूशन का वो कैसे दिया जाएगा ठीक है ना तो यूनाइटेड नेशंस पैरिस यहाँ पर पढ़ेंगे द यूनाइटेड नेशंस पैरिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द इंटरनेशनल बेंच ठीक है ना द पैरिस uh, प्रिंसिपल्स वर अडोप्टेड बाई यू एन इन नाइन्टीन तो ये लिखेंगे पैरिस प्रिंसिपल्स वर अडोप्टेड बाई यू एन इन 1993. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ओनली क्लैट पॉइंटर्स हैं ओनली क्लैट वाले ये पॉइंटर्स लिखेंगे कि अगर जो पैरिस प्रिंसिपल्स है वो कौन से क्राइटीरिया मेंशन करता है ठीक है ना पैरिस प्रिंसिपल्स paris principles set out set out six main criteria six main criterias na? that are <clears throat> they are mandate and competency mandate and competency autonomy that is independence from the government autonomy from government independence फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस ग्रांटेड एक स्टैट्यू एक लॉ जो ये इंडिपेंडेंस ग्रांट कर रहा हो इंडिपेंडेंस ग्रांटेड बाय इंडिपेंडेंस ग्रांटेड बाय और स्टैट्यू बाय और स्टैट्यू और कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ना प्लूरलिज्मेट रिसोर्सेज जो भी है उनका ऑफिस बना के देना है ठीक है स्टाफ रखना है चेयर चेयरमैन होगा चेयर जो भी है वो हो गए और एडिकुएट पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एडिक्यट पावर्स टू इन्वेस्टिगेट ठीक है ना ये सिर्फ क्लैट वालों को याद रखना है कि ये सब चीजों के ऊपर बेस्ड है बाकी किसी को याद नहीं रखना बाकी सब अगर ये प्रिंसिपल वाला भी याद रख लें कि ये बेंच मार्क सेट करते हैं कब अडोप्ट हुए थे दिस इज मोर देन इना अब इंडिया का ये वाला पॉइंट हर किसी के लिए इंडिया का जो ए स्टेटस है वो क्यों गया है क्योंकि कंपेटिवलीच आर सी एन एच एन एच आर सी नॉट कम्पेटेबल विद क्राइटीरिया ठीक है ना ये क्राइटीरिया वो फुलनी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एंड वन ऑफ द मेजर क्राइटीरिया इज की ऑटोनमी नहीं है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनती है विच इज़ नॉट दे आर नॉट हैप्पी विद इट ठीक है ना अब यहाँ पर इट हैज बीन ओवर थ्री ईयर्स सिंस कु कू का मतलब क्या होता है फोर्सफुली ओवर थ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर ठीक है ना तो कू कहाँ पर हो रहा है

अब यहाँ पर मेनी रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार मेनी मेनी रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार सागिंग रीजन एंड चिन स्टेट हैव फ्लेट टू द जुनटाज वायलेंट कैंपेन जुनटा जो है मिल्ट्री के हेड को बोल रहे हैं ये कि उनके जो कैंप्स हैं वहाँ पर वो चले गए हैं और बहुत सारे जो हैं वो मिजोरम मणिपुर में आ गए जो कि इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मीजो पीपल जो है वो तो कह रहे हैं कि ये हमारे भाई बहन है चलो इनको रख लेते हैं पर मणिपुर वाले कह रहे हैं कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए ठीक है ना तो ये बस याद ही करना है लिखना नहीं है पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इन इंडिया हैज हिस्टोरिकली रिमेन लो पब्लिक स्पेंडिंग मतलब पैसे गवर्नमेंट जो हेल्थ रिलेटेड केयर प्रोवाइड करने में प्रोवाइड करती है वो कम ही रहा है हमेशा रिसेंटली मेनी थिंक टैंक्स जो रिसर्च वगैरह करते हैं क्लेम दैट इंडिया विच हैज ऑलवेज स्पेंट अ लिटिल मोर देन वन परसेंट ऑफ जी डी पी ऑन हेल्थ इज इंचिंग क्लोज टू टू परसेंट ठीक है ना तो यहाँ पर पब्लिक हम लिखेंगे पब्लिक पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ डिंग ऑन हेल्थ इन इंडिया इन इंडिया हैज बीन हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली लो ठीक है ना कम ही करते हैं और लो के अंदर क्या है वन परसेंट ऑफ जी डी पी स्पेंड किया जाता है पब्लिक हेल्थ पर अब ये क्या है टू परसेंट ऑफ जी डी पी होता जा रहा है ठीक है ना अर्लियर कितना था अर्लियर कितना था ये और नाव कितना है टू परसेंट ऑफ जी डी पी ठीक है जी ओके कोई दिक्कत नहीं अब आगे चलेंगे यहाँ पर अब अगर हम यहाँ पे चले ऑन मे टेन और स्पेशल कोर्ट सी कोर्ट ऑफ पुणे स्पेशल की सी कोर्ट ऑफ पुणे सेंटेंस सचिन प्रकाश राव एंड्योर एंड शरद भाऊ साहेब कालास्कर टू लाइफ इंप्रेजमेंट फॉर द मर्डर ऑफ रैशनलिस्ट नरेंद्र अच्युत दबोलकर अब यहाँ पे नैशनलिस्ट का मतलब क्या होता है रैशनलिस्ट इज अ बिलीव दैट एक्शंस आइडियाज शुड बी बेस्ड ऑन रीजन नॉट इमोशन आप इमोशन होकर ना चीज़ें करें आप रीजन बेस्ड चीज़ें करें ठीक है ना अगर भगवान है या नहीं है इसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना आपको लगा या कुछ इमोशन नहीं आप कह सकते ये रैशनलिज्म है ठीक है ना अब यहां पर इन्होंने किसका मर्डर किया था ठीक है ना मर्डर ऑफ लिखेंगे मर्डर ऑफ लिखेंगे मर्डर ऑफ मर्डर ऑफ रैशनलिस्ट मर्डर ऑफ रैशनलिस्ट नरेंद्र नरेंद्र अच्युत बोलकर ठीक है ना अब ये बोल बोलकर बोलते बहुत थे ठीक है ना नरेंद्र मोदी से नरेंद्र अच्युत अच्युत ठीक है रैशनलिस्ट का मीनिंग क्या है बिलीव दैट एक्शंस शुड बी रीजन बेस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस ठीक है जी अब इनका मर्डर हो गया था ठीक है ना सी बी आई कोर्ट इन पुणे कोर्ट इन पुणे सेंटेंस्ड सेंटेंस्ड प्रकाश राव अंदूरे एंड शरद बाउ साहेब कालास्कर टू लाइफ इन प्रिजनमेंट टू लाइफ इन प्रिजनमेंट फॉर मर्डर ऑफ फॉर मर्डर ऑफ अबव पर्सन मतलब ये जो तो ऊपर लिखा हुआ है हमने टाइटल में इस पर्सन के मर्डर के लिए ठीक है ना अब क्यों कह रहा दबोलकर कौन थे वॉज अ फिजिशियन एक्टिविस्ट रैशनलिस्ट एंड ऑर्डर बेस्ड इन महाराष्ट्र ही फाउंडेड द कमिटी अब यहाँ पर हम नरेंद्र दबोलकर के बारे में लिखेंगे ठीक है ना और ये भी लिखेंगे कि उनका मर्डर जो है वो क्यों हुआ ठीक है ना दुश्मनी थी इनकी आपस की पर्सनल दुश्मनी थी एंड ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ कमिटी फॉर कमिटी फॉरेडिकेशन कमिटी फॉर इरेडिकेशन मतलब खत्म कर देना मिटा देना इरेडिकेशन ऑफ ब्लाइंड फेथ ठीक है ना जिसको बोला जाता था महाराष्ट्र महाराष्ट्र अंधा श्रद्धा अंधश्रद्धा निर्मूलन निर्मूलन समिति ठीक है ना या फिर और मैं भी बोला जाता था ठीक है ना और ये एडिटर भी थे मैगजीन के मराठी मैगजीन साधना के साधना के ये एडिटर भी थे ठीक है ना एज अ तो अब इसके अंदर मिरेकल क्योर्स ठीक है ये किसका वो करते थे अगेंस्ट ही वॉज अगेंस्ट अगेंस्ट रिलीजियस सुपरस्टिश सुपरस्टिशंस ठीक है ना गॉडमेन हु गॉडमैन हु प्रोमिस्ड क्रो हु प्रोमिस्ड मिरेकल क्योर्स ठीक है ना कि जादू से या किसी से भी आपकी डिजीज ठीक हो जाएगी इन सब के अगेंस्ट थे ठीक है ना और इन्होंने क्या किया प्लेड अ प्लेड अ क्रूशियल रोल वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग बनाना ड्राफ्टिंग द कॉन्सेबल अनुसंधान अनु अंधश्रद्धा अनुसंधान अंध श्रद्धा अंधश्रद्धा निर्मूलन बिल 2005 ठीक है ना जिसको क्या बोला जाता है एंटी सुपरस्टिशन बिल ठीक है ना अब इसके अंदर Uh, उसके बाद uh, यहाँ पर फाइनली पास इन पास इन द स्टेट पास्ट ठीक है ना अब इसके अंदर फाइनली डिसंबर ट्वेंटी थर्टीन में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पास्ट महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड eradication of eradication of human sacrifice and other inhuman evil and agori practices एंड ब्लैक मैजिक एक्ट क्या हमको ये पूरा नाम याद करना है नहीं हमको बस याद करने, ये याद करना है ये सुपरस्टिशन वाला जो एक्ट था ट्वेंटी थर्टीन में महाराष्ट्र में पास हुआ है ठीक है ना अब दबोलकर को मारा कब गया ठीक है ना ये फिफ्थ पॉइंट शॉर्ट डेड गाय वो शॉर्ट डेड इन ट्वेंटी थर्टीन ट्वेंटी थर्टीन में ये लॉ आया ट्वेंटी थर्टीन में ही वॉज शॉर्ट डेड बाईज ही वॉज आउट फॉर हिस मॉर्निंग वॉक अब यहाँ पर जो एडिटर है वो क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी क्योंकि उनकी एक तरह की सोच थी इसीलिए उनको मारा गया क्या ये सही है या गलत है इसी बारे में ये बात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंसल्ट करते थे हेट करते थे और ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए उनको मारा गया ठीक है ना बट ऑर्डर जो है वो कह रहा है कि आइडियोलॉजी अगर किसी की है किसी चीज़ से लेकर तो क्या उनको मार देना चाहिए तो ये बात कर रहे हैं आपको जो डिटेल्स लिखनी थी वो हम लिख चुके हैं इसके बाद आगे इतना नहीं पता होना चाहिए हमें फॉर द पेपर फॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है टू इंकरेज द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ आइडियाज और फीलिंग ठीक है ना इनक्रेज डेवलपमेंट. द रेगुलेटरी स्टैंड बॉक्स अब रेगुलेटरी स्टैंडबॉक्स क्या है देखो यार आने वाला टाइम पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ये भी पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा मिस भी है ठीक है ना बट अब अगर किसी चीज को ग्रो करना है कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया भी काम करे बट ये भी जरूरी है कि सेफ्टी जरूरी है तो क्यों ना जो सेफ्टी रखते हैं और जो बनाते हैं इन दोनों को मिला दिया जाए और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तो इसका लिख लेंगे पहले कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ठीक है ना ये क्या है इज अ वे इज अ वे टू कनेक्ट इनोवेटर्स एंड रेगुलेटर्स एंड प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर देम टू कोपरेट ठीक है ना कि जो बना रहे हैं जो इनोवेशन कर रहे हैं उनको बिठा दो जो रूल्स बना रहे हैं जो बनाते हैं उनके साथ ताकि डेवलपमेंट भी हो और सेफ्टी भी रहे ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है द एडवांस एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हैज पोस्ड बोथ अनप्रीसीडेंटेड अपॉर्चुनिटीज एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे बहुत सारे हमें सोल्यूशंस भी मिले हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो गई एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी ठीक है ना अनदर जो चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि हेल्थ केयर हो गया फाइनेंस हो गया किसी भी चीज में बात कर लो ए आके बैठ रहा है तो इसी चीज के अंदर गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है ए आई रेगुलेटरी बॉक्सेस बनाकर ठीक है ना अब यहाँ पे वाइल्ड द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मर रेगुलेटरी सैंड बॉक्स इज ऑफन ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी इन द यूके अब यहाँ पर ठीक है ना ए आई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ए आई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये क्या है फर्स्ट फॉर्मल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कौन लेकर आया फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी फाइनेंशल कंडक्ट अथॉरिटी इन यूके ठीक है ना वर्ल्ड ओवर जो है इंडिया के अंदर भी है इंडिया में भी इंडिया मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज हैसेस ठीक है ना चाहे हमारी आर बी आई हो गया चाहे सेबी हो गया एग्जाम्पल आर बी आई सेबी आई आर डी ए आई ठीक है ना ये सब इनके पास सबके पास है अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो कर्नाटका जो है कर्नाटका हैज़ इनेक्टेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस देंगे ठीक है ना कर्नाटका हैज़ इनेक्टेड कर्नाटका हैज़ इनेक्टेड कर्नाटका इनोवेशन अथॉरिटी Authority Act twenty twenty Establishing an Innovation Authority dedicated to promoting and regulating innovative. टेक्नोलॉजीज्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मॉडल ठीक है ना तो कर्नाटका ने ये कर दिया उन्होंने स्पेशली ये निकाला है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रपोज द रेगुलेटरी सैंड बॉक्स यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं ठीक है ये ठीक है ना टू स्टैब्लिश वन ऑफ मोर सैंड बॉक्सेज अब यहाँ पर ये भी हमें नोट करना पड़ेगा Telecommunications Telecommunications Act twenty twenty three proposed a regulatory sandbox where the central government has the authority. स्टेब्लिश वन और मोर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ठीक है ना अगेन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये भी बात करता है कर्नाटका वालों ने स्पेशल लॉ निकाला है ठीक है ना इन इंडिया नीति आयोग अब यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है नीति आयोग ये भी लिखेंगे इन इंडिया नीति आयोग NITI Aayog released a discussion paper outlining national strategy national strategy for AI can, uh, this led for this led to led to establishment this led to establishment of national AI portal. The Ministry of Electronics ye lichenge, Ministry of Electronics and Information Technology released AI innovation. ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हाईलाइटिंग इंडिया ए आई विजन ठीक है ना ए आई विजन बताते हुए इन्होंने भी लॉन्च कर दिया ठीक है ना तो डिजिटल इंडिया एक्ट थॉक्स अबाउट रेगुलेटिंग ए आई बाई क्रिएटिंग अ सेपरेट सेट ऑफ लॉज के अलग से लॉज लेकर आने चाहिए डिजिटल एक्ट क्या बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ लॉज होने चाहिए ठीक है जी उसके बाद ऐसी प्रॉमिस सेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोब होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा में ठीक है ना जो भी जहाँ पर सेट मांग रहे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर यू नो जो ट्रांसफर हुए पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को उसके बारे में देखा जाए तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है बट यहाँ पे केस किसने फाइल किया है द पिटिशन फाइल बाय कॉमन कॉज एंड द सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता किस किस को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता है कमेंट कर दें इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इशू कर पाता था एंड कोई भी इंडिविजुअल कोई भी कंपनी यहाँ पर जाकर के ये बॉन्ड्स इशू करवा सकती थी और ये कौन किसके लिए होते थे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक है ना जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको ये पैसे दे बॉन्ड्स देते थे और वो इनका मतलब अपने अकाउंट में ये लेकर आ सकते थे जो इन्फॉर्मेशन थी वो अनोनोमस रहती थी मतलब सीक्रेट रहती थी किसी को नहीं पता चलता था कि किसने किसको कितना पैसा दिया है ठीक है फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है दिस इज नॉट राइट तो ये कॉन्सेप्ट अब बंद कर दिया गया बट बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि एस आई टी बिठाई जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट ये लिखेंगे केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट ठीक है जी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है ठीक है अब यहां पर सबसे पहले पिटीशन किसने फाइल किया है पिटिशन फाइल्ड बाय फाइल्ड बाय कॉमन कॉज एंड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है इन्होंने केस फाइल किया कि भैया एस आई टी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जाए, ठीक है ना? अब इसके अंदर ये लोगों ने किया है के तो देखते हैं क्या होता है तो आगे चलेंगे ऑन फ्राइडे नाइट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर ट्रीटेड टूअर रे वहां पे सन स्टॉम uh, आया था ठीक है ना जिसकी वजह से अरोरा जो होता है जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं बेसिकली वो दिख रही थी ठीक है आई हैवेंट सीन लाइक दिस टू 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 ट्वेंटी ईयर्स हो गए ऐसा नहीं हुआ था सो तो ये सब वहाँ पर हुआ और हो देखने को मिला मैग्नेटिक फील्ड जैसे चार्ज पार्टिकल्स बट द अर्थ्स कूडेंट प्रिवेंट मेनी ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम स्लिपिंग थ्रू द लोकेशन क्लोज टू द प्लैनेट्स मैग्नेटिक पोल्स ये सब हुआ उसके बाद द इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम इज सेट टू गेट अ न्यू हेड कोच विद इंकम्बेंट इंकमेंट का मतलब क्या होता है प्रेजेंट तो प्रेजेंट हेड कोच कौन है ठीक है ना इंडियन क्रिकेट टीम का इंडियन मेंस क्रिकेट टीम हेड कोच कौन है राहुल ड्रेविड राहुल ड्रेविड क्या कह रहे हैं कि मैं तो मैं बस आ, ये वर्ल्ड कप के बाद मैं मेरे, मेरे को नहीं रहना हेड कोच तब तो कोई और हेड कोच बनेगा ठीक है ना उसके बाद आ, नोबेल विनिंग ऑर्डर अलायस मोरनो डेड तो अलायस मोरनो की डेथ हो चुकी है अलाइस मोरनो कौन है पहले तो डाइड ठीक है ना नोबेल प्राइज विनिंग ऑर्डर नोबेल प्राइज विनिंग ऑर्डर नोन एज एक मिनट चेक ऑफ ठीक है ना शॉर्ट स्टोरी लिखते थे नाइन्टी टू के थे ठीक है ना कब मिला था अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन ट्वेंटी और टू थाउजेंड नाइन में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था ठीक है ना अब यहाँ पे मुरनों ठीक है ना अलाइस अस्लाइस मुरनो ठीक है ना मुझे तो मुरनो अस्लाइस स्लाइस से याद कर लो georgia parliament passes foreign influence bill despite process georgia's parliament on tuesday adopted a controversial foreign influence law that sparked weeks of mass protest against the measure lawmakers voted 84 to 13 in favor during the third and final reading of the law which was widely denounced as mirroring repressive russian legislation used to silence dissent Georgia can georgia's parliament स्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ ठीक है अब ये ना मुझे रिसर्च करना पड़ेगा क्या लॉ इन्होंने बताया नहीं किस चीज़ का लॉ है इन्फ्लुएंस बिल डिस्पाइट फॉरन इन्फ्लुएंस बिल तो एक बार इस पर चेक करना पड़ेगा मुझे याद दिला देना इन द कॉमेंट्स ठीक है ना इस पर थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या है इसकी डिटेल्स ये इस ज्यादा डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करी है फॉरन इन्फ्लुएंस बिल जॉर्जिया ने पास किया ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में चाइना मेन्मार मॉड्यूल एन सी एन एम आई हेल्प्ड बैंड आउटफिट्स इन मणिपुर, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज सेड इन अ चार्शी दैट चाइना मेन्मार मॉड्यूल ऑफ इजाक मूव फैक्शन ऑफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड सपोर्टेड द कैडर्स ऑफ टू बैंड मेटी आउटफिट्स टू इन्फ्लेट इंडिया इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट ये हम पढ़ चुके हैं Uh, क्योंकि सेशंस आगे पीछे हो गए हैं तो सिक्सटींथ मे वाले के अंदर ये ऑलरेडी हो चुका है तो रिपीट है ठीक है आगे चलेंगे यूएस लॉ मेकर्स टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन फॉर्मलाइज स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन ओशन रीजन यहाँ पे क्या है यूएस लॉ मेकर्स टू इंट्रोड्यूस टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन टू फॉर्मलाइज स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन ओशन रीजन टू फॉर्मलाइ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियन ओशन रीजन ठीक है अब यहां पर फॉरन अफेयर्स ऑफ रिपियांड्यूस लेजिस्लेशन ऑन ट्यूजडे ठीक है ना इस बिल का नाम क्या इंडियन ओशन रिव्यू इंडियन ओशन रीजन स्ट्रैटेजिक रिव्यू एक्ट ठीक है ना इसके अंदर इस बेस्ड ऑन रेकमेंडेशन ऑफ अ बॉडी सेटअप ठीक है बेस्ड ये भी लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन रेकमेंडेशन ऑफ बाय आर्टसन यूएस एस चाइना Economic and Security Review Commission, a body set up in two thousand to review and report on US China relationship. कमीशंस नोवेबर ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट रिकमेंडेड ये लिखेंगे थर्ड पॉइंट कमीशन्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट यू एस एडमिनिस्ट्रेशन कमिट एंड इंडियन ओशन रीजन स्ट्रैटेजी ठीक है ना तो इस रीजन के अंदर इंडियन ओशन की हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं ये स्ट्रैटेजी बना रहे कौन बना है यूएस लॉ मेकर्स इसमें स्ट्रैटेजी बना रहे टाइटल भी याद कर लिया तो क्वेश्चन निकल जाएगा ठीक है ना सो गाइज दट्स इट वैसे ये सेशन हर रोज सिक्स पी पे होता है नो अभी डिलेड सेशन है ड्यू टू तो सम पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम जाना होते हो तो कम्युनिटी पे जाके देख लेना ठीक है लॉगिरी डॉट इन पर आप जा सकते हो वहाँ पर आपको एम सी क्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं एम सी क्यू प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर रोज क्लास देखो एम सी क्यू प्रैक्टिस करो बेस्ट प्रेपरेशन है कुछ और जरूरत नहीं है क्लास अगर मिस हो रही है किसी मंथ की तो वन शॉट्स लगा सकते हो जो वीडियो लेक्चर्स हैं कंपाइलेशन वो मैं ही पढ़ाती हूँ आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो हमारे पास एम एस सी टी फाइव ईयर पी यू थ्री और ठीक है लखनऊ यूनिवर्सिटी के ए आई एल एल ई टी के सी यू टी लीगल स्टडीज के ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं लॉगरी डॉट इन पर जाइए एंड यू कैन बाय राइट दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ आई एल सी यू सुपर सुन बाय टेक केयर